ये देख सकते हो आप, पूरा यहाँ पे लोग बस रखे हैं, बसावट पूरी हो रखी है, और ये सड़क भी बना के देंगे आपको। भाई को दिखाओ, अंदर बना रहे हैं। अच्छा, ये बना रहे हैं अपना मकान। जी जी, ये मकान देख बना रहे रहे हैं, हैं। ये सारा मकान की बनाई वगैरह चल रही है, तो आप भी अपना बना के आराम से रह सकते हो। तो इस तरह के रोड बना के दोगे? ऐसे रोड बना के देंगे जी। अच्छा, इस तरह से पूरी कॉलोनी की बसावट हो जाएगी? हाँ, इस तरह से ये पूरी कॉलोनी की बसावट है, कॉलोनी है। क्या बात, इनको दिया है? जी जी। अच्छा, इसको किस्तों में दिया है? कब लिया था आपने ये मकान? ये हो गए हैं 5 साल। 5 साल हो गए जी, मतलब प्लॉट लिया था, अब बनाना शुरू किया। हाँ। ये आप ही का बन रहा है? जी। क्या बात है। अच्छा, मार्केट है जी ये, यहाँ बाजार लगता है। अच्छा, ये बाजार लगा हुआ है? पूरा पूरा बाजार लगा हुआ है। मेरी कॉलोनी के जो बंदे काम करते हैं सारे इंडस्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, मतलब काम भी यहाँ पे मिल जाएगा? मतलब काम मिल जाता है यहाँ जी। मेरी कॉलोनी के पास में सारी मार्केट है। ओके, ये सारा इंडस्ट्री एरिया है। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया में खड़े हैं अभी हम। तो भैया, ये कहाँ पर ले आए हो आप? ये अपनी कॉलोनी के पास से मॉल ले आया हूँ। अरे, पूरा मॉल मॉल है यहाँ पे? पूरा मॉल है, देख रहे हो, सारी दुकानें, सुख सुविधा, मतलब कितनी सारी मार्केट है। एक जगह बस कहाँ तक जाती है? मोरी के टंडर खोया मंडी तक बस जाती है, मतलब पूरी दिल्ली से कनेक्टेड है यहाँ। जी सर, मेन रोड है, हाईवे? ये हाईवे मेन रोड है, आपको चल के दिखा दे। अच्छा, ये सीधा ट्रोनिका सिटी जा रहा है? ये ट्रोनिका सिटी जाता है। ओके, मतलब ये पूरा फुल सोहन पट्टी स्टैंड है। ये देख रहे हो, दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बस है ये। जी जी। ओके, ये मतलब ये बस स्टैंड है? ये बस स्टैंड है। ये मेरी कॉलोनी से मात्र ये सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। RCM कॉलेज है ये कॉलेज, RCM कॉलेज है। अच्छा, RCM कॉलेज के पास ही है जमीन भी। अच्छा, ये मार्केट है यहाँ की? यहाँ की मार्केट है, कॉलोनी की मार्केट है। अच्छा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स टाइप बना रखा है? ये कैनरा बैंक है। ओके, ये कॉलोनी का कैनरा बैंक है। कॉलोनी का ही है जी? कॉलोनी का ही है। अच्छा, मीरपुर लिखा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो? जी, बहुत बढ़िया। जी जी, मतलब बसावट हो रही है और धीरे धीरे लोग काम काज भी शुरू कर रहे हैं, देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया। और आप भी आओगे तब बना सकते हैं यहाँ पे। देखो, यहाँ पे मकान भी बन रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे बन रहा है मकान। यहाँ पे भी देख रहे हो, मकान बन भी चुके हैं काफी, तो देख रहे हो क्या बात है। ये लाइट के खंबे लगवा रखे हैं। अच्छा, ये लाइट के खंबे? लाइट के खंबे। अरे वाह, मटेरियल भी इनको इन्होंने किस्तों में लिया है। अच्छा, मटेरियल भी किस्तों पे दिया है? जी जी। अच्छा, ये मटेरियल जो लिया है भैया से, क्या बात है। रास्ता ये है जहाँ ऑटो खड़ा है। अच्छा, ये इसका मेन रास्ता है। कितने फुट का रोड है ये? 25 फुट का रोड है। ओके, ये भी पूरा बना के दोगे? ये बना के देंगे, 25 फुट का रोड है। कॉलोनी से 5 मिनट पे चलो, बसें मिलेगी आपको, ऑटो मिलेंगे, रेलवे मिलेगी। ओके जी, सब चीज की सुविधा है। सब बैंक है, स्कूल है, कॉलेज है, सब चीज की। मोटी क्या नाम है, आपको 200 मीटर के करीब में यहाँ पर टोनिका सिटी इंडस्ट्री एरिया है। ये 200 मीटर मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेगी इंडस्ट्री एरिया जाने में। तो मैं आ गया हूँ भैया के पास। और कैसे हो भैया? भाई बढ़िया। और दिल्ली NCR में सबसे सस्ते प्लॉट लेके आए हैं, और सबसे अच्छी चीज 3100 रुपए देके प्लॉट। जी, 3100 रुपए देकर अपना प्लॉट बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब आपने 3100 रुपए दो ऐसे मकान बनाना शुरू कर सकते हो? जी जी। अरे वाह, क्या बात है, यहाँ तो सरिये वगैरह सब लग गए हैं। जी जी। और देख रहे हो, पानी की भी फैसिलिटी है और बिजली की भी है। जी जी। अच्छा, दिल्ली NCR में पड़ता है? हाँ, दिल्ली NCR में पड़ता है सर। दिल्ली NCR में पड़ता है, मतलब सारी रजिस्ट्री की जमीन है? जी, पक्की रजिस्ट्री की जमीन है, मोटेशन के साथ। मोटेशन के साथ जी। और बाकी 3100 रुपए दे के अपना मकान बनाना चालू कर दो, मकान चालू कर सकते हो। और प्लॉट भी किस्तों में ले सकते जी, हो? प्लॉट भी किस्तों में ले सकते हो, मटेरियल भी किस्तों में ले सकते हो। अच्छा, मटेरियल भी? जी, बनाने के लिए हम आपको मटेरियल भी किस्तों, जैसे ये मिट्टी वगैरह, ईंटे वगैरह? जी, मिट्टी, मीटे, ईंटे। ओके, रोडी। ओके, ये सब डैश वेट सब देंगे आपको हम, वो भी EMI पे कर लो। EMI पे देंगे सर। क्या बात है। और बाकी देख रहे हो, बसावट हो चुकी है, काफी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इधर देख सकते हो अब यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है। कितने साल हो गए इस प्रोजेक्ट को? 5 साल के करीब हो गए। मतलब 5 साल में इतनी डेवलपमेंट हो गई है। जी जी। और आने वाले टाइम में तो और बढ़िया हो जाएगी, रेट बहुत ही सस्ते मिलने वाले। वीडियो में आप बने रहना, सारी चीजें बताएंगे सर। ये सामने सारा फ्लैट एरिया, टाउन एरिया है सारे। अच्छा, ये सामने टाउन एरिया? टाउन एरिया है। ओके, टाउन एरिया के पास ही है। जी जी। आप कुछ कह रहे थे ना, यहाँ पे हाईवे और इंडस्ट्रियल एरिया भी पड़ता है सर। क्या नाम है, आपको 200 मीटर के करीब में यहाँ पर टोनिका सिटी इंडस्ट्री एरिया है। ये 200 मीटर मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेगी इंडस्ट्री एरिया जाने में। ओके, इंडस्ट्री मतलब काम भी कर सकता है बंदा आराम से। यहाँ पर सारे लोग ये काम करते हैं, टोनिका सिटी में करते हैं। अच्छा, टोनिका सिटी पड़ता है? जी, टोनिका सिटी पड़ता है। ओके जी। और रजिस्ट्री भी हो जाती है, मोटेशन भी होती है, और सबसे अच्छी चीज है, आप बना सकते हो। जी जी। इनको दिखाओ आप, क्या नाम है भाई को दिखाओ, अंदर बना रहे हैं। अच्छा, बना रहे हैं अपना मकान? जी जी, मकान बना रहे हैं। ये सारा मकान की बनाई वगैरह चल रही है, तो आप भी अपना बना के आराम से रह सकते हो। अगर किस्तों में दे रहे हैं सर हम? किस्तों पे जी, प्लाट भी किस्तों में दे रहे हैं। दिया है अभी तक? जी, किसी को दिया है अभी तक सर? इनको दिया है सर। इनको दिया है? जी जी। अच्छा, किस्तों में दिया है? कब लिया था आपने ये मकान? ये हो गए हैं 5 साल। 5 साल हो गए, मतलब प्लॉट लिया था, अब बनाना शुरू किया। ये आप ही का बन रहा है? जी। क्या बात है। अच्छा, ये मटेरियल भी किस्तों पे मिल गया आपको? क्या बात है। क्या नाम है आपका? राम किशोर। राम किशोर जी, आप वैसे मतलब पहले कहाँ रहते थे, मतलब कहाँ से हो आप? कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। तो अब आपने यहाँ पे ले लिया है, पहले वहाँ किराए पे थे? हाँ। अच्छा, किराए से अब अपने मकान में शिफ्ट हो रहे हैं, देख रहे हो, अब किराया भी बचेगा यहाँ पे। पहले किराया कितना देते थे? 3000 रुपए। 3000 रुपए, मतलब 3000 रुपए सूखा बचेगा, उतने की तो किस्त ले लेते हो आप? जी, किस्त ले लेते 3000 रुपए। मतलब अपने मकान पे आ जाओ, 3100 रुपए देके अपने मकान पे शिफ्ट हो जाओ। 3000 रुपए किस्त देते, 2000 रुपए मिला के 5000 रुपए की महीने की हमें दे देते हैं सर। ओके, और फिर अपना रह भी सकते? अपने रहने से तो बनाना चालू कर दिया सर। हर चीज में इनको सहायता दे रहे हैं, किस्तों में हमको इनको प्लॉट दिया है,
किस्तों में उनको मटेरियल दे रहे हैं। मतलब आप चाहते हो जो लोग नहीं ले पा रहे हैं बेचारे जी जी, और वो मतलब किराए पे रह रहे हैं, सालों साल हो गए अपना मकान नहीं बना पा रहे, उनके लिए सुविधा लाए हैं। 3100 रुपए दो आप, अपनी रजिस्ट्री वगैरह कराओ और फिर किस्तों पे अपना मकान बना दे रहे हो, चालू कर दो। क्या बात है। तो चलिए सर थोड़ा सा टूर देते हैं, क्या क्या हुआ है यहाँ पे, क्या क्या फैसिलिटी है। बाकी आप देख सकते हो ये पूरा एरिया है, यहाँ पे काफी लोगों ने बना के रहने भी लग गए हैं, रहने लगे सर। ये देख रहे हो अपना छोटा सा काम शुरू कर सकते हो। अगर ट्रांसपोर्ट की सुविधा की बात करें तो कॉलोनी से 5 मिनट पे चलो, बसें मिलेगी आपको, ऑटो मिलेंगे, रेलवे मिलेगी। ओके जी, सब चीज की सुविधा है, सब बैंक है, स्कूल है, कॉलेज है, सब चीज की। क्या बात, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल सब चीज मिलेंगे। हाँ बहुत ही बढ़िया। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे मीटर भी लगे। हाँ ये मीटर, ये गरीब आदमी देखो बना बना के रहने लगे। अरे वाह, मतलब जो लोग जिनकी कैपेसिटी नहीं है, हाँ, कि हम दिल्ली जैसे शहर में इतने बड़े महंगा ले, तो थोड़ा सा आउटर दिल्ली में ले लो तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ से सिग्नेचर ब्रिज भी पास है। जी सिग्नेचर ब्रिज पास है। Okay. सिग्नेचर ब्रिज मुश्किल से यहाँ पर 5 किलोमीटर होगा, जो दिल्ली सिग्नेचर ब्रिज है। खजूरी भी पास, खजूरी, हाँ खजूरी पास है, 5 किलोमीटर ही होगा खजूरी। अच्छा, पुश्ते भी पड़ता है। जी जी, पुश्ते रोड जी। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो इस तरह से लोग रहने लग गए हैं यहाँ पे, अपना मीटर वगैरह सब लगे हुए हैं, देख रहे हो अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना रह रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जगह मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। क्या बात है, देखो यहाँ पे भी बना रहे हैं, मतलब लोग ये देख रहे हो सामने भी यहाँ पे शुरू हो गई है कंस्ट्रक्शन और काफी लोग रह रहे हैं, पूरी कॉलोनी बच चुकी है। अरे वाह, मतलब पूरा सुख सुविधा से लेस हो जाएगा आने वाले टाइम पे। जी जी जी, क्या बात है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये भी घर बन चुके हैं, घर बन चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। तो भैया आप कहाँ पर लेके आए हो ये? मैं कॉलोनी के क्या नाम है, मेन रस्ते पे ले आया। ये मेन रास्ता है, यहाँ से रास्ता जा रहा है, मेन रास्ता है, और ये मेन रास्ता ये है जहाँ ऑटो खड़ा है। अच्छा, ये इसका मेन रास्ता है। कितने फुट का रोड है ये? 25 फुट का रोड है। ओके, ये भी पूरा बना के दोगे? ये बना के देंगे, 25 फुट रोड है। अभी देखो डेवलपमेंट हो रही है तो धीरे धीरे होगा, इसीलिए रेट भी सस्ते हैं। जी जी, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी रेट भी बढ़ते जाएंगे। तो ये भी बन रहा है, ये भैया का बन रहा है? ये भैया का बन रहा है। ओके, अच्छा कब लिया आपने? 2 महीने पहले लिया था जी। अच्छा, बनाना भी शुरू कर दिया? कितने कमरों का बना रहे हो जी? पहला कमरा तो ये, दूसरा कमरा उधर है। अच्छा जी, मतलब है, बन रहा है, मतलब बढ़िया है। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, पहले कहाँ रहते थे? पहले तो मैं दिल्ली में रहता था। दिल्ली पे क्या अपना घर था? जी नहीं, रेंट पे। अच्छा, रेंट पे था पहले आपका? जी, मतलब आपका सपना भी पूरा हो गया अपने घर का है? जी जी जी। और दिल्ली में तो काफी महंगा, कहाँ से हो वैसे? दिल्ली से? साउथ दिल्ली से। साउथ दिल्ली में? साउथ दिल्ली में तो लेना ही, मतलब समझ लो सब कुछ बेच बाच के लेना पड़ता है, वहाँ पे प्राइसेस इतने ज्यादा है। पर यहाँ पे अगर लगाना चाहते हो, वैसे करते क्या हो आप? जी मेरा आयरनिंग का काम है, वैसे तो मैं फील्ड का काम करता था। फील्ड का काम, मतलब जो मेरे फादर है तो आयरनिंग का काम करते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे भी अपना बिजनेस कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी सारा सेटअप है ही। और व्यूवर्स को हमारे बताएं, दिल्ली में ही है ना मेन? मेन दिल्ली में लिया आपने, देख रहे हो दिल्ली में ही है। और दिल्ली और सिग्नेचर ब्रिज आप बताओ कितनी दूर होगा यहाँ से? बस 10 मिनट का रास्ता भाई, 10 मिनट का रास्ता है, देख रहे हो। मतलब जो भी चीज बताई जा रही है वो सच बताई जा रही है, ऐसा नहीं है कि हम आपको बुलाने के लिए कर रहे हैं। एक बार आओ, मटेरियल भी इनको इन्होंने किस्तों में लिया है। अच्छा, मटेरियल भी किस्तों पे दिया है? जी जी। अच्छा, ये मटेरियल जो लिया है अभी से, क्या बात है। और प्लॉट भी किस्तों पे? जी जी। अरे वाह, क्या बात है, मतलब ये भी चीज की सारी फैसिलिटी है। बाकी एक बार ओवरव्यू देते हैं, देख रहे हो कंस्ट्रक्शन का काम ऊपर चल रहा है अभी, और यहाँ पे देखो सारा काम हो रहा है। आप भी अपना चाहो सपनों का घर बना सकते हो। अच्छा, ये भी डल गया यहाँ पे, ये पंप भी लगा सकते हैं? पंप भी लगा सकते, सबमर्सिबल लगा सकते हैं आप। सबमर्सिबल भी लग जाता है? कितने में लग जाता है सबमर्सिबल? क्या नाम है, 15,000 रुपए सबमर्सिबल लग जाता है, पूरी उम्र के लिए। खुद का पानी पियो है? खुद का निकाल के। क्या बात है, मतलब पानी की भी पूरी फैसिलिटी है, बिजली की भी पूरी है। जी जी। और लाइट भी आ चुकी है यहाँ पर, इंडस्ट्री के लाइट भी आ चुकी है। अच्छा, शिफ्ट होने का कब तक सोचा है आपने? बनने के बाद जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा, जल्द से जल्द शिफ्ट, जल्द से जल्द यहीं शिफ्ट हो जाओगे। ये लेंटर का इनका काम आ गया। ओके, फिर लेंटर डल जाएगा बस। अब चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम आ गए गाड़ी के अंदर हैं भैया। जी जी, गाड़ी के अंदर। और यहाँ से थोड़ा ओवरव्यू देंगे पूरी कॉलोनी का, क्योंकि कॉलोनी इतनी बड़ी है, पैदल तो घूम ही नहीं सकते, देख रहे हो। जी, ये सारा आपने कंस्ट्रक्शन करवा रखा है यहाँ पे? जी जी सारा, ये लाइट के खंबे लगवा रखे हैं। अच्छा, ये लाइट के खंबे? लाइट के खंबे। अरे वाह, ये देख रहे हो पूरा कंस्ट्रक्शन हो रखा है यहाँ पे, और प्लॉट्स की कमी नहीं है, देख रहे हो लोगों ने प्लॉट डाल डाल के छोड़ रखे हैं। अगर फ्यूचर में लेने आओगे तो रेट डबल ही हो जाएंगे, डबल होंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है या घर बना के छोड़ देना चाहता है, जैसे कई लोगों ने छोड़ रखा है, आने वाले टाइम में यहाँ पे भी जगह नहीं मिलेगी। ये देख सकते हो आप, पूरा यहाँ पे लोग बस रखे हैं, बसावट पूरी हो रखी है, और ये सड़क भी बना के देंगे आपको। देख रहे हो कितनी बड़ी सिटी है, ट्रोनिका सिटी कहते हैं भी? जी, ट्रोनिका सिटी। तो देख रहे हो इतनी लंबी, मतलब इन्होंने पूरा काट रखा है कॉलोनी, और खुद की कॉलोनी है, रजिस्ट्री आपको करा के देंगे। देखो यहाँ पे मकान भी बन रहा है, देख रहे हो यहाँ पे भी बन रहा है मकान? यहाँ पे भी देख रहे हो मकान बन भी चुके हैं काफी, तो देख रहे हो क्या बात है। अच्छा, लोगों ने तो अपने काम भी खोल रखे हैं यहाँ पे, देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे पूरा अपना ये खोल रखा है अपना नाम से, और यहाँ पे आप देख रहे हो मतलब बसावट हो रही है, और धीरे धीरे लोग काम काज भी शुरू कर रहे हैं, देख रहे हो।
बहुत ही बढ़िया। और आप भी आओगे तब बना सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह के रोड बना के दोगे? ऐसे रोड बना के देंगे जी। अच्छा, इस तरह से पूरी कॉलोनी की बसावट हो जाएगी? हाँ, इस तरह से ये पूरी कॉलोनी की बसावट है, कॉलोनी है। क्या बात है। तो इस तरह के रोड आने वाले पे वहाँ पे भी डल जाएंगे जी। भी ऊपर? हाँ, इंस्टीट्यूट ऊपर। पढ़ाई भी करवा सकते हो, देख रहे हो, बाइक वगैरह अपना काम करवा सकते हो, मतलब पूरी मार्केट है जी। एक सब ये ऑटो स्टैंड है। अच्छा, यहाँ पे ऑटो मिल जाते हैं सारे जी? जी सारे। मंदिर भी है देख रहे हो? मंदिर भी सर। क्या बात है, मतलब सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये कैनरा बैंक है। ओके, ये कॉलोनी का कैनरा बैंक है। कॉलोनी का ही है जी? कॉलोनी का ही है। अच्छा, मीरपुर लिखा हुआ है यहाँ पे देख रहे हो? जी, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, ये मार्केट है यहाँ की? यहाँ की मार्केट है, कॉलोनी की मार्केट है। अच्छा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स टाइप बना रखा है यहाँ, मतलब यहाँ पे भी सारा काम मिल जाएगा, सारा सामान मिल जाएगा, सारा सामान मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया। ये आगे से क्या नाम है, कॉलेज है ये? अच्छा, कॉलेज भी है सर? आरसीएम कॉलेज। आरसीएम कॉलेज है ये? कॉलेज आरसीएम कॉलेज है। अच्छा, आरसीएम कॉलेज के पास ही है जमीन भी जी, है जी, ये देख रहे हो। यहाँ पे कॉलेज इंस्टीट्यूट भी है, आरसीएम कॉलेज जी, जी। मैनेजमेंट भी, बीबीए बीसीए सब करा सकते हैं यहाँ पे, सब करा, डिप्लोमा वगैरह भी होता है। बहुत बढ़िया, मतलब पास में है सब कुछ, पास में सर। सर, ये कहाँ पर लेके आए? ये चौहानपट्टी स्टैंड है, ये देख रहे हो, दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बस है ये जी। जी, ओके। ये मतलब ये बस स्टैंड है? ये बस स्टैंड है। कितना दूर है आपके यहाँ से? ये कॉलोनी से बिल्कुल पास में है ये। ओके, चौहानपट्टी का बस स्टैंड है, 258 बस स्टैंड चौहानपट्टी। ओके, यहाँ पर ये दिल्ली के क्या नाम है, ये टोनका सिटी के पास में ही चौहानपट्टी पड़ता है। ओके, और ये मेन रोड है, हाईवे? ये हाईवे मेन रोड है, आपको चल के दिखा दे। अच्छा, ये सीधा टोनका सिटी जा रहा है? ये टोनका सिटी जाता है। ओके, बस कहाँ तक जाती है? मोरी गेट अंदर खोया मंडी तक बस जाती है, मतलब पूरी दिल्ली से कनेक्टेड है यहाँ जी सर। ओके, और ये क्या है, मतलब ये कौन सी जगह है? ये चौहानपट्टी टर्मिनल है बस स्टैंड। देखो, सर से भी कंफर्म करा लिया है, एक बार आप आओगे विजिट करोगे सारी चीज दिखाई जाएगी। अच्छा, ये मेन रोड है? ये मेन रोड है, हाई। अच्छा, ये कनेक्टेड है पूरा, ये देखो बस भी निकल रही है यहाँ। बहुत ही बढ़िया। अब ये कहाँ पर ले आए हो आप? ये अपनी कॉलोनी के पास से मॉल ले आया हूँ। अरे, पूरा मॉल मॉल है यहाँ पे, पूरा मॉल है। देख रहे हो, सारी दुकानें, सुख सुविधा, मतलब कितनी सारी मार्केट है, एक जगह मार्केट जी। मेरे कॉलोनी के पास में सारी मार्केट है। ओके, ये सारा इंडस्ट्री एरिया है। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया में खड़े हैं अभी हम? ये सारा इंडस्ट्री एरिया है। अच्छा, यहाँ पे सारी फैक्ट्री वगैरह? ये ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्री एरिया है। ओके, ये मेरी कॉलोनी के बिल्कुल पास में है। अच्छा जी, जी जी जी। क्या सर, मेरी कॉलोनी के जो बंदे काम करते हैं सारे इंडस्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, मतलब काम भी यहाँ पे मिल जाएगा? मतलब काम मिल जाता है यहाँ पर, देख रहे हैं, यहाँ पे काम भी मिल जाएगा। ये सब इंडस्ट्री है, व्यापार भी कर सकते हो जी जी चाहो तो। ये देखो, यहाँ पे मतलब सुख सुविधा सारी है, सारी सुविधा है, पक्के रोड है यहाँ पे तो जी जी। बहुत ही बढ़िया। और ये कितना दूर है आपकी? ये बिल्कुल पास में है सर, मुश्किल से पहले चलोगे 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट का रास्ता है, देख रहे हो, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। अच्छा, ये मार्केट है जी? ये यहाँ पे बाजार लगता है। अच्छा, ये बाजार लगा हुआ है? पूरा पूरा बाजार लगा हुआ है। क्या बात है, मतलब सब सुख सुविधा से लैस है, देख रहे हो आप, यहाँ पे सारी मार्केट लगी हुई है, देख रहे हो। इस तरह से आप बाजार भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी इसका भी बिजनेस कर सकते हो, जो सब्जी अगर बेचते हो तो सब्जियाँ भी बेच सकते हो। अरे वाह, देख रहे हो, मतलब पूरा यहाँ पे लोग रह रहे हैं जी जी। क्या बात है सर। देखो, लोकेशन भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ बता दिया, पर अगर समझ ना, देखो वीडियो में समझ नहीं आता पूरा, एक बार बंदा सोचता है मैं आऊं यार देखूं कि कैसे लोग रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मतलब प्रॉपर्टी का बढ़ेगा, लोकेशन कैसी है, तो उसके लिए आप कैसे मतलब 3100 रुपए दे के कैसे मतलब कर सकते हैं? आप 3100 रुपए दो, अपना मकान बनाना चालू कर दो। अच्छा, मकान बनाना चालू? 3100 रुपए देकर? ठीक है, 3100 रुपए इतनी बड़ी बात नहीं होती सर। 3100 रुपए दो, अपना मकान बनाना चालू कर दो, और क्या नाम, हम आपको मटेरियल भी किस्तों में देंगे। अच्छा, ये जैसे मकान में ईंटें लग रही हैं, सरिया लग रहा है, ये सब हमने पार्टियों को किस्तों में दिया है मटेरियल। अच्छा, ये भी किस्तों में दिया? हमने मटेरियल किस्तों में दिया, वो बनाएगा, वो बना के रहने लगेगा। ओके, ये भी किस्तों में देगा हमें मटेरियल के पैसे। अच्छा, ऐसा नहीं कि 50,000 दो, 60,000 दो, 1,00,000 दो, ऐसा कुछ नहीं है? 60,000 रुपए की बात नहीं, सिर्फ 3100 रुपए में ले लो, अपना मकान बनाना चालू कर दो। अच्छा, ये मतलब इसलिए रखी है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता यार, हर गरीब आदमी होता है, उसके पास 1,50,000 रुपए कहाँ होते हैं? हाँ, बहुत मुश्किल से होते हैं, एक गरीब आदमी पे 1,50,000 रुपए होते नहीं। उसके बाद रजिस्ट्री करा दोगे सीधा? जी जी, रजिस्ट्री करा देते हैं। अच्छा, रजिस्ट्री करा दोगे, ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि यार 3100 दे के ले लिया यार मैंने, मिलेगा नहीं मिलेगा जी, जी। आपकी प्रॉपर रजिस्ट्री मोटेशन सब कुछ होगा, सब करा के देंगे। और बाकी सर से मिलोगे तो एक बार मतलब आओगे, मिलोगे, बात करोगे, तभी चीजें पता चल पाती है। ऐसे तो देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो आप, कॉल करते हो, बिल्कुल आओ, एक बार अपॉइंटमेंट लो सर से, मिलो और सारी चीजें देखो यहाँ पे, पहले अपनी तसल्ली कर लो, फिर जाके अपना तसल्ली कर लो, पहले अपनी तसल्ली करो। देखो, आदमी 1 रुपए की गुल्लक लेता है, उसे बजा के देखता है, बिल्कुल। हाँ, अपने पहले तसल्ली करो, फिर आओ, फिर आओ। और सबसे मेन चीज है यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया, रोजगार सबसे बड़ी चीज है, रोजगार। फिर लाइट, यहाँ पर लाइट बढ़िया है, पानी मीठा है, पी के देखो, ऐसा नहीं है हम, हमारे बोलने से होएगा। दिल्ली की जड़ में है, ऐसा नहीं है कि बाहर भगा रहे हो या कहीं दूर में, दिल्ली की जड़ में, और हमारे कहने से नहीं हो तो। फिर आप पानी पी के देखो, यहाँ पर लाइट देखो, यहाँ पर रोजगार देखो, जब लेना
ऐसा नहीं हम हवाबाजी में आदमी कह देता है, यहाँ पर आके देखो, असल में आके देखो जब पता लगेगा। 3100 रुपए तो अपना मकान बनाना चालू कर दो, और हम हर चीज की सपोर्ट करेंगे, इसको मटेरियल भी आपको किस्तों में देंगे, हम बनाने के लिए मटेरियल हम किस्तों में देंगे। और आओ एक बार सारी विजिट कराएंगे, आपको साइट विजिट वगैरह सब कुछ होगा, जो भी आपका बोलोगे वहाँ से पिकअप भी कर लेंगे भैया। एक बार इनके ऑफिस पे आ जाओ, वहाँ से पिकअप करके आपको पूरा सब कुछ दिखा देंगे। तो बाकी एक बार आओ विजिट करो और कमेंट लाइक करके आना, और सर को दिखाना कि हमने वीडियो देखी थी, ताकि आपको एक अच्छे से प्राइस भी मिल पाए। जी, जी। तो नेगोशिएट हो जाएगा थोड़ा बहुत और? जी हो जाएगा। और कितने रुपए गज है वैसे रेट? ये 7000 रुपए गज, 25 गज का प्लॉट 1,75,000 रुपए का। 1,75,000 रुपए में इसकी मात्र क्या नाम है 5000 के लमसम की किस्त बनेगी। एक गरीब आदमी 5000 रुपए दे सकता है, और इससे ज्यादा क्या 5000 रुपए नहीं दे सकता फिर। बिल्कुल बिल्कुल, 5000 रुपए दे सकता है। और आने वाले टाइम पे प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, प्रॉपर्टी के रेट बहुत बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, मतलब एक तरह से आप अपना घर भी बना रहे, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किराए से बच रहे हो? अच्छा, किराए से बच रहे हो? हाँ, किराए से बच रहे हो। 5000 रुपए मोड़ी पर 3000 रुपए वहाँ पर देते हो, 2000 मिला के हमें दे दो और अपना घर ले लो, अपना प्लॉट हो जाएगा और पैसा भी बढ़ रहा है आपका। आपका पैसा भी बढ़ रहा है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गुल्लक में डाल रहे हो और वो बढ़ रही है गुल्लक। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर।